तो यहाँ का खाना खाकर बीमार पड़ चुके हैं। एक बार खिचड़ी खाकर रामगोपाल यादव और डोसा खाकर जया बच्चन बीमार हो चुकी हैं। राज्यसभा सांसद जया बच्चन से इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह ने खास बातचीत की। संसद भवन में खराब खाना मिलता है और खास तौर पर कई सांसद बीमार हुए, हमारे साथ जया बच्चन जी हैं, जया बच्चन जी बीमार हुई हैं। जया बच्चन जी, क्या किस तरह का खाना है आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि खाने में कुछ गड़बड़ी है। मैं ये तो नहीं बता सकती स्पेसिफिकली कि क्या खराब था। पता नहीं, मैंने एक दिन डोसा खा लिया, शायद उसकी वजह से हो गया। ये चीजें, खाना जो है ये सारा बन के आता है सुबह, कैसे रखा जाता है, इसका रेफ्रिजरेशन कैसे होता है, इसको गर्म करते हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है। अभी बीच में ऐसा हुआ, खाना जो है ये सारा बन के आता है सुबह, कैसे रखा जाता है, इसका रेफ्रिजरेशन कैसे होता है, इसको गर्म करते हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है। अभी बीच में ऐसा हुआ कि पिछले हफ्ते हाउस काफी देर तक चला, तो घर तो जा नहीं सकते थे क्योंकि लंच ब्रेक भी नहीं हुआ करता था, तो हम लोगों ने यहाँ खा लिया। रामगोपाल जी ने खिचड़ी खाई, उस वजह से वो बीमार हो गए। मैं खिचड़ी वगैरह तो नहीं खाती हूँ, मगर अभी चाय कॉफी के सिवा और कुछ पी नहीं सकते हैं, डर लगता है कि कहीं। अच्छा, अभी मामला भी उठा, क्या सालों से कर रहे हैं मामले, जो मामला सरकार को इस पर मुख्य ध्यान देना चाहिए, किस तरह से चीज को रखा जाता है, इसको अच्छी तरह से मॉनिटर करना चाहिए। तो सारे एमपी बीमार हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? तीन तीन माइक। तो ये थी जया बच्चन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मामला काफी गंभीर है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि संसद में ही खराब अगर खाना मिलता है तो इसको लेकर कई सवाल उठना लाजमी है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह।